सिवान के रघुनाथपुर गांव में जब रामेश्वर सिंह पहुंचे तो उनके नाम के लोग नारे लगाने लगे। वहीं रामेश्वर सिंह ने लोगों से बातचीत करते हुए और संबोधन करते हुए ये कहा कि वो जनता की सेवा के लिए आए हैं, वो जात पात की राजनीति नहीं करते हैं। सभी लोग उनके अपने हैं और वो विधायक बने या ना बने, वह आम लोगों की सेवा करते रहेंगे। उन्होंने ये कहा कि हर मौके पर हर जगह वो लोगों के साथ खड़े हैं, बस उन्हें आगामी विधानसभा चुनाव में सहयोग करें, उन्हें विधायक बनाएं, ताकि वो जो लोगों का सहयोग कर रहे हैं उसकी हिस्सेदारी और बढ़ सके और बढ़ चढ़ के लोगों के हर दुख सुख में खड़े हों, सबका विकास हो, सबका साथ हो। सुनिए क्या कहा बीजेपी के वरिष्ठ नेता रामेश्वर सिंह ने। क्यों जात के बात बतियाई, क्यों अगला के बात बतियाई, क्यों पिछला के बात बतियाई, हम ये सब ना माने नहीं। हम माने नहीं एगो इंसान हुई, इंसान के हम सेवा करे खातिर आयल बनी लोकसा गाँव। हम जात पात वाला नेता ना है, रघुनाथपुर हमार घर है। आई बेरी मोदी जी के फरमान लेके आयल बनी कि रमेश्वर सिंह तू जा गांव में जा, हर गरीब से अमीर से सबसे मिलो, मजदूर से मिलो, सबके सेवा करो। आप रघुनाथपुर से चुनाव लड़ल 100% तय बा। ऐसे हम कहब कि हम रुआ बीच में बानी, अभी पहले में राज में रुआ कहे दो जगह जाए, तीनों जगह जाए, चारों जगह जाए, फिर अगर जरूरत होई है रघु भगत जी के आदेश होई, फिर ने गांव में हम आए और सेवा करें, चुनाव लड़ेब, हमार जो निशान होई ओकर रुआ बटम दबा देब, हमरा के विधानसभा भेज देब, हमरा के रुआ लो जिता देब। आज हम देखनी है निकती गईनी, परशुरामपुर गईनी, छोटकी निकती गईनी, अदमापुर गईनी, आज सुल्तानपुर में कार्यक्रम रहा हनुमान मंदिर के पास में, कहीं जाता नहीं, कहीं कहू काम विकास के लौकत नहीं खे। हम भी वादा करता नहीं रघु भगत जी के सामने, ये गांव के लोग के सामने, कि अगर वो लोग हमार मदद करे हम विधायक बने, अगर वो लोग सरकारी जमीन या प्राइवेट जमीन दे तो 5 कट्ठा में एगो विवाह भवन है गांव के बनवा दे।